इस वक्त आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से, मैं आपके साथ सिमरन। चलिए बता देते हैं आपको इस वक्त की बड़ी खबरें। देवरी घड़ियाल केंद्र के अधीक्षक श्रद्धा पांडे ने टीम के साथ श्योपुर से मुरैना तक रेत पत्थर और जंगली जड़ी बूटियों का अवैध परिवहन किया जा रहा था, जिसको लेकर एसटीओ ने करीब 10 वाहनों और 11 आरोपियों को पकड़ने में बड़ी सफलता हासिल की है। इन वाहनों में कुछ में पत्थर व कुछ में रेत भरा हुआ था। एक बोलेरो पिकअप गाड़ी को जंगल से जड़ी बूटी भरकर वीरपुर से शिवपुरी ले जाते हुए रास्ते में भी पकड़ा है। इन वाहनों में 2 ट्रैक्टर ट्रॉली श्योपुर से पकड़ी गई, बाकी के वाहन मुरैना जिले से पकड़े हैं। इनमें अवैध चंबल का रेत भरा हुआ था। इसके साथ ही 2 रेत माफिया जो वन अमले की रेकी कर रहे थे, उनको मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार कर थाने में अग्रिम कार्रवाई के लिए सुपुर्द कर दिया गया है। वहीं वन अमला वीरपुर से मुरैना की तरफ लौट कर आ रहा था, तभी नागर मोथा के जंगल से जड़ी बूटी भरकर बोलेरो पिकअप गाड़ी वीरपुर से शिवपुरी ले जा रही थी, तभी गाड़ी सहित आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। सिंधिया समर्थक मंत्रियों के बिगड़े बोल थमने का नाम नहीं ले रहे। अब पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया विकास कार्यों को लेकर कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी में दिखाई दे रहे हैं। गुना जिले की पर्यटन नगरी बजरंगगढ़ की मुख्य सड़क को स्वीकृत कराने के लिए उन्होंने नियम और कानून तोड़ने की भी इजाजत अफसरों को दे दी। ये बात खुद मंत्री ने उस समय की जब वो सड़क का भूमि पूजन करने के लिए बजरंगगढ़ पहुंचे थे। बजट का आभाव था तो बजट में वो रोड नहीं आ पाई। हमने सीओ जिला पंचायत से बोला कि भैया पंचायत में कोई फंड हो जिसमें ये पूरा खरंजा नालिया वाली बन जाए। उन्होंने कहा साहब ये तो 2.5-3 करोड़ का मामला, ये नहीं बन पाए। फिर मैंने फाइल बुलवाई प्रधानमंत्री सड़क योजना की और अधिकारियों को बुलाया। उन्होंने भी थोड़ा सा पहले आनाकानी करी, जब मैंने कहा कि नहीं ये मुझे चाहिए तो चाहिए, चाहे रास्ता कुछ भी निकालो, नियम तोड़ो कानून तोड़ो, मगर बजरंगगढ़ की रोड स्वीकृति चाहिए। और जो 7 या 8 सड़कें हमारी प्रधानमंत्री सड़क योजना में सैंक्शन हुई है उसमें बजरंगगढ़ की भी एक महत्वपूर्ण सड़क हमने स्वीकृत करी। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस पर पलटवार कर उनके पुराने घोटालों की याद दिलाई है। कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट करते हुए कहा कि बात निकली है तो दूर तक जाएगी, खानदानी चोरी पर पूरी किताब लिखी जा सकती है। बीजेपी नेता ने ट्वीट करते हुए लिखा कि चोर मचाए शोर, जीप और मुंद्रा स्कैंडल, नागरवाला स्कैंडल, बोफोर्स घोटाला, अगस्ता हेलीकॉप्टर घोटाला, 2G 3G CWG घोटाला, नेशनल हेराल्ड घोटाला, 4 पीढ़ियों की चोरी की कुछ झलक, वैसे पूरी किताब लिखी जा सकती है। खानदानी चोरी पर बात निकली है तो दूर तक जाएगी। फिल्म सत्यनारायण की कथा के निर्माता साजिद नाडियाडवाला के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। गृह मंत्री डॉक्टर उत्तम मिश्रा ने इस बात के संकेत दिए हैं। उन्होंने देवी देवताओं के ऊपर इस तरह के विवादास्पद फिल्मांकन करने वालों को भी चेताया है, हिंदू देवी देवताओं को सॉफ्ट टारगेट करना बंद करें। मेरा ये सब जो निर्माता हैं इस तरह के, इनसे प्रार्थना है कि ये हिंदू देवी देवताओं को सॉफ्ट टारगेट करना बंद करें। मैंने हिंदू शब्द का प्रयोग इसलिए किया है कि ये कभी किसी और धर्म पे नहीं लिख सकते। आपने सुना इनने ये जो बार बार बना रहे हैं कि इनने कभी अल्पसंख्यकों पे कुछ लिखा है, उस पर फिल्म बनाई है, लिख नहीं सकते। सबसे टॉप टारगेट हम ही और हमारे देवता लगते हैं। मैं डीजीपी को बोलूंगा कि इसका एग्जामिन कराएं कि इसमें हम क्या कर सकते हैं और हम उस पर कार्रवाई करेंगे। भारत के जनता को गोचर समझते हैं कांग्रेसी और सिर्फ वोटों की फसल को चरने आते हैं, फिर 5 साल के लिए गायब हो जाते हैं। ये कहना है मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर उत्तम मिश्रा का। दरअसल गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को डबरा विधानसभा के ग्राम टेकनपुर लाखिया में शासकीय अधिवक्ता परमाल सिंह बघेल द्वारा आयोजित किए गए बघेल समाज के स्वागत समारोह में शिरकत होने पहुंचे थे और इस दौरान नरोत्तम मिश्रा का शायराना अंदाज भी देखने को मिला। अच्छा लगता है, सामने बैठे अधिकांश लोगों के चेहरे जानता हूँ, अकेले चेहरे नहीं जानता, मोहरे भी जानता हूं, सियासत की चालें भी जानता हूं। इतना समझदार नहीं पर उतनी तो समझता हूं, और अपनापन सा लगता है। मन बहुत कुछ पीछी मीठी अनुभूतियों में, वो एक गाना था ना, ये दौलत भी ले लो ये शोहरत भी ले लो,
मगर छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। तो ये थी इस वक्त की अपडेट। ऐसी हर छोटी सी बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। वॉइस ऑफ एमपी पर जय हिंद, जय भारत।